अस्सलाम वालेकुम। तो हम भाई नए नए मुसलमान हुए हैं जब से ये यूरोप में आए हैं। तो कोई जब मस्जिद नहीं मिल रही थी ऐसा सच, पहले तो जब मैं इटली में था दूर थी वो काफ़ी क्लासों से। तो अब यहाँ पेरिस आया हूँ जब से तो मस्जिद करीब नज़र आई है। तो हमने कहा कि यार चलो नमाज़ वगैरह पढ़ना शुरू कर दें। तो यहाँ पे पहुँचे हैं, ये है मस्जिद, है पता नहीं शिया की है कि सुन्नी की है, जाके देखेंगे पता लगेगा कि क्या सीन है। बाकी एक चीज़ देखी है, घोड़े देखे हैं भाई, कुफार हमारी हिफाजत कर रहे हैं। आपको नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, वापसी पर मैं दीदार करवाता हूँ आप लोगों का। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस जाता है। ये पीछे हमारी मस्जिद ही है, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताता हूँ, ख्याल रखें अपना। हाँ भाई जान, नमाज वगैरह पढ़ ली है तो बड़ा मज़ा आया नमाज़ पढ़ के। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे तो यार डिजिटल लोग हैं, ठीक है, चंदा भी डिजिटल उसमें ले रहे हैं। तो मज़ा इस हिसाब से आया कि कोई हाथ खोल के नमाज़ पढ़ रहा था, तो कोई हाथ बंद करके, कोई टखने वो टांगे खोल के, कोई कोई टांगे बंद करके। तो ना कोई शिया था, ना कोई सुन्नी था, ना कोई काला था, ना कोई गोरा था, ठीक है, सारे मुसलमान थे, इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। तो बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे ये चंदे का निज़ाम भी बड़ा आला है, डिजिटल कर रहे हैं, और फ़कीर भी बहुत हैं जैसे हमारे मुल्कों में होता है। सो ये सिस्टम यहाँ पे भी है, लोग आके पैसे मांग रहे होते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे यूरो मांग रहे होते हैं, PKR तो चलता नहीं है। सही है, तो काफ़ी मज़ा आया। बाकी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अच्छा न्याज भी है, पता नहीं, चाय शाय बट रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, औरतें बहुत आती हैं, क्योंकि मुल्क होता है, डिफरेंट मुल्क है, मुसलमान कम हैं, तो वो जो होती है ना थोड़ी सी रिलीजन के साथ एसोसिएशन बरकरार रखने के लिए, तो वो आते हैं, इसलिए आते हैं। बाकी ये है कि भाई अर्तगुल के जांबाज खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, घोड़ों पे सवार हैं, ठीक है, हमारे जो मुसलमान हैं कफार हमारी हिफाजत के लिए मामार हैं, ठीक है। वैसे ही एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो है ना यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है या कोई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो घोड़े पे आए हैं, और क्या चाहते हो यार, आवाम की तादाद बहुत ज़्यादा है। सही है, तो अभी एक जमात हुई है, इसके बाद दूसरी जमात होगी, तो ये आवाम बहुत ज़्यादा हजूम है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही निकलते हैं, सही है, तो ये दूसरी आप देखें आवाम का समुंदर है, ये ग्रैंड मॉस्की जिसको मैंने दिखाई है आपको, यहाँ की पेरिस की सबसे बड़ी मस्जिद है, और कोई शिया सुनी नहीं है अवाम। ये घोरा दूसरा आ गया खिलाड़ी, आपको हाय कह रहे हैं, सही है। अच्छा तो ये थी, बाकी ये लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी जमात होगी तो उस तक। तो काफ़ी मज़ा आया, अवाम बहुत ज़्यादा है और काफ़ी पुरसकून माहौल है, और बहुत एलिनेशन है लोगों की रिलीजन के साथ, क्योंकि वो जब घर से बाहर होते हैं ना तो अपने मुल्क में वैल्यू नहीं रहती है। हमारे अपने मुल्क में क्या होता है कि हम तो एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे होते हैं, ठीक है, शिया सुनी कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो कोई सेटअप है नहीं, यहाँ पे कम ही लोग हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जितना अलाइन हो सके रिलीजन के साथ, जितनी इंक्लाइन रह सके, तो वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। या तो दोबारा दूसरी वीडियो में हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।